खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां खेल के नाम पर खिलाड़ियों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। फर्जी खेल एसोसिएशन ने फर्जी खिलाड़ियों के नाम पर लाखों रुपए टकार लिए। इसी संबंध में खेल प्रेमियों ने गोपेश्वर थाने में FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सालों से फर्जी तरीके से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा था। आपको बता दें, वर्ष 2004 में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में तत्कालीन अध्यक्ष ने जिले में फर्जी खिलाड़ियों को दिखाकर फर्जीवाड़ा किया है। वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव एम पुजारी ने बताया कि वर्ष 2004 में ओलंपिक संघ को फरवरी माह में राज्य के विभिन्न स्थानों पर खेल के आयोजनों के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। आज हमने जो FIR दर्ज की है यहाँ गोपेश्वर जिला चमोली के खेल प्रेमियों द्वारा, कि 2004 में जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के, उनके द्वारा 11 लाख रुपए का गबन किया गया। फर्जी हस्ताक्षरों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किया गया। टीमों के नाम जो दिए गए हैं वो सारे फर्जी हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही है। खिलाड़ियों का हक मारा जा रहा है, इसलिए इनिशिएटिव लेते हुए हमने जो पहली FIR है इस मामले में, हमने आज चमोली जिले में थाने में दर्ज की।